तो हम बात करेंगे आज मेथड ऑफ कैलकुलस से डेरिवेशन काइनेमेटिक इक्वेशंस के जो डेरिवेशंस हैं उसको हम मेथड ऑफ कैलकुलस से करेंगे। कैलकुलस में हम इंटीग्रेशन इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि ये फार्मूला होता है इंटीग्रल कैलकुलस का, इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स का फार्मूला होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है, एल एन मीन्स नेचुरल लॉग, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, सेम एज डिफरेंशिएशन जो है एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन वो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, अगर डी यू बाई डी टी का इंटीग्रेशन करना है तो डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी, और डी यू इंटू वी ओवर डी टी का इंटीग्रेशन अगर डिफरेंशिएशन अगर करना है तो यू डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी डी यू ओवर डी एक्स होता है। तो ये तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएशन मेथड से। तो एसीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो ए इज़ इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, जैसा कि डेफिनेशन हमने लिखाया है। तो डी वी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी को यू से लेकर वी तक इंटीग्रेट करेंगे, यू इज़ इनिशियल वेलोसिटी, वी इज़ फाइनल वेलोसिटी। सो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे वी टू द पावर ज़ीरो है, और वी टू द पावर ज़ीरो है अगर तो ज़ीरो प्लस वन वी टू द पावर वन यानी वी हो जाएगा। तो वी और लिमिट हमने लगाया हुआ है यू से वी तक, ए टी की लिमिट है ज़ीरो से टी तक। तो हमारा जो फार्मूला बन के आएगा वो वी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी आएगा। सेम एज़ अगर हम जानते हैं क्या वी इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी होता है, तो डी एक्स इज़ इक्वल टू वी डी टी। अब वी की वैल्यू हम इक्वेशन वन से रखेंगे यू प्लस ए टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो एक्स ही आएगा, यू और यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो यू टी हो गया, लिमिट रखेंगे जीरो टू टी तो टी आ जाएगा यू टी, प्लस हाफ ए टी टू द पावर वन है तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी होता है, इसको हम लिखेंगे डी वी ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ये हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर ए को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ए तो कॉन्स्टेंट है, तो एक्स डिफरेंशिएशन वन का डिफरेंशिएशन एक्स हो जाएगा, और वी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वी स्क्वायर बाई टू, तो यू और वी जो है लिमिट रखेंगे तो हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फ्री फॉल और रिलेटिव वेलोसिटी का। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।